हेलो दोस्तों, मैं उन्हीं साहब सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल द सर्कल पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का सीरीज चल रही है बहुत ही शानदार तरीके से। आपके लिए ही जबरदस्त मेहनत की जा रही है कि आपका सिलेक्शन हो। आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। तो हम देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। पहला प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 1008 में दो बकरियां खरीदता है। क्या कर रहा है? एक व्यक्ति 1008 में दो बकरियां खरीदता है। वह एक बकरी को 20% हानि पर तथा दूसरी बकरी को 44% लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर बेची हो तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत हमें यहां पर बताना है। इस प्रश्न को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इस प्रश्न को बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका हम शॉर्टकट मेथड देखेंगे। तो देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि पहले क्वेश्चन को हम सबसे ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसको हम समान कीमत पर बेचते हैं, तो बेची गई तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत, तो हम क्या करेंगे, हानि पर बेची गई बकरी की कीमत कितनी है, यहां लिख लीजिए, हानि पर बेची गई बकरी की कीमत कितनी है, एक्स है। और टोटल कितना है, 1008 है, दो बकरियों की कीमत कितनी है, 1008 है। तो दूसरी बकरी की कीमत कितनी होगी, दूसरी बकरी की कीमत क्या हो जाएगी 1008 में से क्या करेंगे, एक्स को घटा देंगे पहले वाले को। तो पहला कितने पे बेची जा रही है, एक्स पर, और दूसरी कितना, 1008 माइनस एक्स में। अब क्या कह रहा है, वह एक बकरी को 20% हानि पर बेचता है। इसको क्या कर रहा है, 20% हानि पर, तो ये 80 बट्टे में आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दूसरी बकरी को क्या कह रहा है, वो 44% के लाभ पर बेचता है। किस पर बेच रहा है मेरे प्यारे मित्रों, 44% लाभ पर। क्या लिख लेंगे यहां पर हम इसको, 44% लाभ कितना, 144 बटे में आपका 100। एक को क्या कह रहा है, 20% हानि पर, और दूसरे को 44% लाभ पर बेचता है। तो प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर बेची हो तो हानि पर बेची गई बकरी। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कह रहा कि समान कीमत पर बेची गई हो, मतलब दोनों का जो एसपी है वो क्या हो, बराबर हो। दोनों का एसपी क्या हो, बराबर हो, तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, एक्स इंटू 80 बटे में 100 लिख देंगे। और यहां पर क्या लिख लेंगे, तो 1008 माइनस में एक्स, और कितना हो जाएगा, 144 बटे में आपका ये 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 80 बटे में 100, और 1008 माइनस एक्स इंटू 144 बटे में 100। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर हम 100 से 100 को क्या करेंगे, काट देंगे। 100 से 100 ये कट गया, 100 से 100 कट गया। अब हम देखते हैं इसको कैसे काटते हैं, 8 से काटेंगे तो ये 8 दहम में 80 हो जाएगा, और इसको कैसे काटेंगे, तो 8 एकन्नम 8 और 8 अठाई 64। अब इसको काटिए, यहां पर काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 नवा 18, और यहां कितना आ गया मेरे प्यारे मित्र, ये 5x हो गया, और 9 से गुणा करेंगे तो 9 8 72 0 और ये 9, और कितना हो जाएगा आपका 9x। ये हो गया कितना, 9x। अब हम क्या करेंगे, 5x और 9x को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5x और 9x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14x। कितना हो जाएगा, 14x बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 9072। और यहां पर x बराबर हम निकाल लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर 9072 में हम क्या करेंगे, 14 से भाग कर देंगे। जब भाग करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 14 से जब भाग करेंगे 90 में तो क्या होगा, 14 × 84 कितना हो गया, 14 × 84 कितना बचा, 6/67 हो गया, 14 × 56 हो गया, 56 में से 56 घटाएं कितना बचेगा, 11, तो 14 × 112 तो कितना आ गया आपका, x बराबर
648। तो यहां क्या पर हानि पर बेची गई कीमत क्या हमने माना था, x माना था, और हानि पर बेची गई कीमत कितना आ गया आपका 648। ये तो हो गया आपका पहला मेथड। क्या है ये? पहला मेथड हो गया जहां पर हमने x मानकर इस प्रश्न को सॉल्व किया। अब देखते हैं इसको कैसे दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, दूसरा मेथड क्या कह रहा है। अब यहां पर देखिए 20% की हानि हो रही है, तो आप यहां लिख लीजिए हानि। हानि मतलब क्या हो रहा है? लॉस। लॉस कितना हो रहा है? 20%। तो 20% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/5। क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों? 1/5। और क्या कर रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, आप यहां प्रॉफिट हो रहा है 44/, आप क्या लिखेंगे? 100। चार से काटेंगे तो क्या हो गया? 11 और 25 चौका 100। तो 44% लाभ को हम क्या लिख सकते हैं? 11/25। और 20% हानि को क्या लिख सकते हैं? 1/5 यहां पर हम लिख सकते हैं। अब हम यहां क्या करेंगे? यहां लिखेंगे सीपी और यहां पर लिखेंगे एसपी। क्या लिखेंगे? सीपी और एसपी। अब यहां मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये, फ्रैक्शन मेथड है, बहुत ही शानदार तरीके से हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आप सिर्फ क्या करिए, देखिए, बस ध्यान से आप देखिए। यहां क्या कह रहा है? 5 लॉस हो रहा, तो सीपी आपका कितना हो गया? 5। सीपी आपका कितना हो गया मेरे प्यारे मित्रों? 5। 1 की हानि हो गई तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा आपका यहां पर? हो जाएगा 4। 5 क्या है? सीपी, हानि आपका 1 हो रहा है तो एसपी आपका कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि हानि बराबर क्या होता है? सीपी माइनस में एसपी। तो यहां पर हानि कितना हो रही है? 20% की, 1/5। सीपी आपका 5, एसपी आपका 4। अब यहां देखिए 25 पर, यहां क्या है आपका? 11/25 हमने लिखा किसको? 44% लाभ को। तो 11/25 लिखा, तो ये जो हमारा 25 है, ये 25 आपका क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीपी हो गया 25। और 11 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 11 रुपए का लाभ, सीपी हमारा 25 और 11 का हमें फायदा हो रहा है, तो हमारा एसपी क्या होगा? हमारा एसपी क्या हो जाएगा? 25 में 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा हमारा एसपी? 36 हो जाएगा। अब ये तो हमारा देखिए बन गया, सीपी हमने 5, एसपी 4। यहां पर प्रॉफिट में क्या हो गया? सीपी 25 और एसपी कितना? 36। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर कह रहा है प्रश्न, जो कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है। क्या कह रहा है? कि यहां पर पी नहीं होगा, यहां पर पी नहीं है। यदि प्रत्येक बकरी को उसके समान कीमत पर बेची जाए, बकरी को क्या किया जा रहा है? समान कीमत पर बेची जाए। इसका अर्थ यह है कि आपको एसपी क्या करना है? बराबर करना है। क्या करना है? एसपी को आपको यहां पर बराबर करना है। यहां एसपी कितना है? 4। यहां कितना? 36। हम ऐसी कौन सी संख्या से इसमें गुणा कर दें कि यह भी 36 हो जाए? तो हम क्या करें, इसमें 9 से गुणा कर दें। अगर 9 से यहां गुणा कर रहे हैं तो 9 से मेरे प्यारे मित्रों यहां भी गुणा करना है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? 9 चौक 36, और ये कितना हो जाएगा? 9 5 45। 45 सीपी अब कितना हो गया? 45। यहां कितना सीपी है? 25। यहां एसपी 36 और यहां एसपी आपका 36, क्योंकि कह रहा है कि समान कीमत पर बेची जाए। तो एसपी आपका क्या हो गया है? अब हमने क्या किया? बराबर कर लिया। अब हमें क्या करना है? अब देखिए सीपी आपका कितना हो गया? सीपी, टोटल सीपी कितना हो गया दोनों का? 45 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 20 60, और 5 5 10 कितना हो जाएगा? 70। 70 आपका सीपी हो गया और एसपी आपका टोटल कितना हो गया? 72। 36 और 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो आपका सीपी कितना हो गया? 70। एसपी कितना हो गया? 72। और मेरे प्यारे मित्रों यहां पर देखिए दिया क्या है, 1008 रुपए में 2 बकरियां खरीदता है, और दोनों बकरियों को कितने में? यहां 70। 70 में ना खरीद, कितने में खरीद रहा है? 1008 में। तो ये 70 बराबर किसके हो जाएगा? ये जो हमारा 70 है, ये 70 बराबर किसके हो जाएगा? ये आपका जो 70 है, ये 70 किसके बराबर हो जाएगा? तो 1008 के। तो 1 बराबर में आपका क्या हो जाएगा? 1008/ आपका कितना हो गया? 70। अब क्या कह रहा है? तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत बताना है। हानि पर बेची गई बकरी की कीमत हमें बताना है, और हानि पर हम क्या बेच रहे हैं यहां पर? 45।
यह हानि ही तो हुआ है, हानि का सीपी कितना है 45 हो गया, कितना हो गया 45। तो यहां लिख दीजिए 45, यहां 45। अब हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे, किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 5 = 45 और यहां पर 14 × 5 = 70, 14 × 5 = 70 अगर हम 5 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या 9 × 5 = 45 और 14 × 5 = 70। अब देखिए यहां पर, अब हम इसको काट किससे भाग करेंगे, ये हो गया आपका 14 × 7 = 98, 14 × 7 = 98 और 100 में से 98 घटाएंगे 2 बचेगा 2 आ गया 28, 14 × 28 तो कितना आ गया, एक आपका 72 × 9 आ गया। अब हम इसको गुणा कर देंगे तो 9 दूनी क्या हो जाएगा आपका, ये 9 दूनी 18 एक और ये 9 × 7 = 63 एक कितना हो जाएगा 64, तो कितना आ गया मेरे प्यारे मित्रों 648 रुपए। तो क्या हो गया, हानि पर बेची गई बकरी की कीमत क्या है आपका 648। तो ये मेथड बहुत ही शानदार मेथड है, अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ये लंबा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको माइंड में ही कर लेना है। क्या कह रहा है, 20% की हानि 1/5, ये सब आपको यहीं से कर ले जाना है, इतना ड्रामा आपको करना नहीं है, आधी कैलकुलेशन तो आपको अपने माइंड में ही करना है, जो मेन कैलकुलेशन है वही आपको यहां पर करना है। अगर ऐसे टाइप को आपको 2-3 बार आप कर ले जाएंगे तो आप मेरा ये वादा है कि आप क्या कहते हैं, इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से लगा ले जाएंगे, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप क्या है सीखना है बस आपको। अगर आप इसको 2-3 बार कर ले जाते हैं, सही से अपने दिमाग में बैठा ले जाते हैं, तो बहुत आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ये कितना हो गया मेरे प्यारे मित्रों, इसका उत्तर 648 आपका सही उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 648 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी टाइप पर आधारित, देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे, एक घोड़े को उसने 20% हानि पर और दूसरे घोड़े को उसने 15% लाभ पर बेच दिया, यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य क्या है समान है, तो दोनों घोड़ों का क्रमशः क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या बताना है, दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य बताना है। इससे पिछले वाले प्रश्न में क्या हो रहा था, हानि पर जो बेची गई थी उसकी कीमत बताना था, और यहां कह रहा कि दोनों का क्रय मूल्य हमें बताना है। सेम पैटर्न का सवाल है, तो हम यहां पर देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। 20% की हानि हो रही है, हानि हो रही तो आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर लॉस हो रहा है 20% का, तो क्या लिखेंगे 1/5, क्या लिखेंगे 1/5, और आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का 15% का, 15% का प्रॉफिट होगा, 5 से काटेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 = 20, 3/20, तो 3/20, ये 15% लाभ को हमने फ्रैक्शन में बदल दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया 3/20, लॉस कितना 1/5। ये हमने इसको क्या किया, अभी कुछ भी नहीं किया, इसको सिंपल सा हमने क्या किया है, फ्रैक्शन में इसको बदल दिया है, किसमें बदल दिया है फ्रैक्शन में। अब हम यहां क्या लिख लेंगे, सीपी, और यहां लिख लेंगे एसपी, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर सीपी और यहां क्या लिखेंगे एसपी। यहां पर देखिए लॉस हो रहा है, तो सीपी आपका कितना है, सीपी कितना है 5 है, सीपी कितना है 5 है, तो आपका एसपी कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, क्योंकि एक ये सीपी आपका 5 है, एक की हानि हुई, सीपी आपका 5, तो एसपी आपका कितना हो गया 4 हो गया। यहां पर देखिए यहां पर क्या लाभ हो रहा है, तो सीपी आपका कितना हो गया मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर आपका 20, सीपी आपको कितना हो गया 20, और 3 का आपको क्या हो रहा है फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो एसपी आपका कितना हो गया 23, एसपी आपका हो गया 23। तो सीपी एसपी और हमें क्या करना है, एसपी दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है, तो एसपी हमें समान करना है, तो क्या करेंगे हम यहां पर गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, यहां देखिए यहां अगर हम 23 से गुणा कर दें और यहां 4 से गुणा कर देंगे, अगर यहां 23 से गुणा कर दे तो यहां भी हम 23 से गुणा कर देंगे और यहां भी हम क्या करेंगे 4 से
गुणा कर देंगे। तो यहां भी 23 से गुणा किया है और यहां भी 23 से यहां पर 4 से गुणा कर दिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे इसको, ये कितना आ गया हमारा, 4 3 12, 4 2 8 1 9 कितना 92, ये भी 92 हो गया, ये भी 92 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 3 में क्या करेंगे 15, 5 2 10 1 11, 5 3 15, 5 2 10 1 11, कितना हो गया 115, और कितना हो गया 20 चौक 80। तो सीपी और एसपी, सीपी आपका कितना आ जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, 115 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सीपी आपका कितना आ गया यहां पर 5 और 8 1 9, कितना हो गया 195। एसपी आपका कितना आ गया, 2 2 4 और 9 2 18, 184। एसपी आपका आ गया 184, सीपी आ गया 195। और मेरे प्यारे मित्रों, मेरे दोस्तों, यहां पर देखिए क्या कह रहा, 19,500, ये 19,500 क्या है मेरे प्यारे मित्रों, ये दो घोड़े का क्या है, खरीद मूल्य है, और यहां सीपी दोनों का कितना हो रहा है 195। तो 195 किसके बराबर, 19,500 के। तो मेरे प्यारे मित्रों, 195 बराबर किसके, 19,500 के, किसके 19,500 के। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 19,500 बटे में आपका कितना हो जाएगा 195। तो ये आपका क्या हो गया, यहां से काट देंगे तो आपका आ गया 100, क्या आ गया 100, यहां से आपका 100 आ गया। अब पूछ रहा है कि दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य बताना है, तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य यहां लिखिए, पहले घोड़े का क्रय मूल्य अगर हम निकालेंगे, पहले का सीपी निकालें कितना है 115, तो 115 इंटू में क्या हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 11,500। और दूसरे का सीपी कितना हो जाएगा, दूसरे का सीपी 80 है तो कितना हो जाएगा ये 8,000। तो पहले का सीपी और दूसरे का सीपी, यहां पर क्या कर, दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य बताना है मेरे प्यारे मित्रों, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या है, इसको आपको सीखना है। जब आप इसको फ्रैक्शन को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो कुछ भी नहीं है मैथ में, आप अर्थमेटिक बहुत ही आसान भाषा में जैसे आप चाहेंगे वैसे आप प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो यहां पर क्या हो गया आपका सीपी, तो 11,500 और 8,000, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें, बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान पूर्वक हम लोग देखते हैं, समझते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, एक दुकानदार 10 रुपए में 7 कलम की दर से कलम खरीदता है और उन्हें 40% लाभ पर बेच देता है, तो ग्राहक को 10 रुपए में कितने कलम मिलेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको लगाना सीखेंगे, और जिस दिन आपको एग्जाम हाल में ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो आप एकदम खुशी से झूम जाएंगे, कहेंगे सर एकदम मजा आ गया, क्या आप बताए थे, सेम पैटर्न हमने आप वहां पर लगाया और हमने तुरंत क्या किया, उस प्रश्न का उत्तर वहां पर निकाल लिया। कुछ भी नहीं करना है, देखेंगे आप कैसे लगाना है, बस आपको सीखना है, आपको ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में आपसे वहां पर मुकाबला करेंगे। तो क्या कह रहा है, एक दुकानदार 10 रुपए में, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार 10 रुपए में 7 कलम की दर से कलम खरीदता है। मेरे प्यारे मित्रों, 10 रुपए में 7 कलम की दर से कलम खरीदता है और उन्हें 40% का लाभ पर बेच देता है। उन्हें क्या कर रहा है, 40% लाभ लेकर बेच दे रहा है। 7 रुपए में 10 कलम खरीदा, उसके बाद कहा कि अरे यार 40% का लाभ अगर हम इसको बेच देते हैं तो हम देखते हैं कि ग्राहक को 10 रुपए में कितने कलम मिले। तो 10 रुपए में उसने खरीदा कितनी, 7 पेन। 10 रुपए में उसने 7 पेन खरीद ली और उसे 40% का फायदा सोच रहा है कि लेके उसको हम बेच देते हैं। तो वही पूछ रहा है कि 10 रुपए में कितने कलम मिलेंगे, उसे कितने कलम मिलेंगे। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, ऐसे मेथड से हमने आपको बताया है कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार 10 रुपए में 7 कलम की, कितना 7 कलम कितने में खरीद रहा है, यहां लिख लीजिए आप ऐसे आराम से, एकदम इत्मीनान से लिखिए, 7 में कितने कलम खरीद रहा है,
7 रुपए, कितना, 7 कलम कितने में खरीद रहा, 10 रुपए में, ऐसे आपको लिख लेना है। 7 कलम कितने में खरीद रहा है, 10 रुपए में खरीद रहा है, तो 1 कलम कितने में खरीदेगा, यहां ऐसे लिख लीजिए, 1 कलम कितने में खरीदेगा, 1 कलम कितने में, 10/7, 10/7, तो 1 कलम कितने में खरीद रहा है, 10/7, तो 7 कलम कितने में खरीद रहा है, 10 रुपए में, तो 1 कलम कितने में खरीद रहा है, 10/7 में खरीद रहा है, मतलब ये सीपी है, 1 कलम का सीपी कितना, 10/7 रुपए। आगे अब क्या कह रहा, उन्हें 40% का क्या लाभ चाहता है, 40% का प्रॉफिट चाहता है, इसी पर प्रॉफिट कितना चाह रहा है, 40% का, तो प्रॉफिट कितना हो गया यहां पर, 40% का प्रॉफिट कितना हो गया, 40% का प्रॉफिट लेकर कितने में बेचना चाहता है, तो सीपी कितना आ गया, 10/7, और 40% का फायदा ले रहा है, तो एसपी हम निकाल लेंगे, एसपी हमारा कितना आ जाएगा, एसपी, सीपी कितना है, 10/ में आपका कितना, 7 हो गया, और 40% का फायदा ले रहा है, 40% का क्या ले रहा है, फायदा ले रहा है, तो 140/ में आपका कितना हो गया, 100। एसपी कैसे निकालेंगे, एसपी देखिए, सीपी आपका कितना है, 10/7, और 40% का लाभ, 140/100। अब देखिए यहां पर, यहां पर एक दो जीरो से दो जीरो का, 7 × 2 = 14, तो कितना हो गया, 2। सीपी एसपी आपका कितना आ गया, 2। 2 का मतलब क्या हुआ यहां पर, यहां पर 2 का मतलब क्या हुआ, यहां पर 2 का मतलब हुआ कि एक पेन क्या कर रहा है, 2 रुपए में बेच रहा है, एक पेन क्या कर रहा है, 2 रुपए में बेच रहा है, एक पेन कितने में बेच रहा है, 2 रुपए में, तो ग्राहक को 10 रुपए में कितने कलम मिलेंगे, तो एक में 2 रुपए मिल रहा है, एक 2 रुपए में एक पेन ले रहा है उसके 10 रुपए में, तो 10 रुपए बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां से 5 से गुणा और यहां भी 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 पेन, 5 पेन कितने में आया, 10 रुपए में, तो 10 रुपए में कितने कलम मिलेंगे उसे, 5 कलम मिलेंगे, कितने कलम मिलेंगे मेरे प्यारे मित्रों, 5 कलम मिलेंगे। बहुत ही शानदार तरीका है, आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, बस क्या है आप एक बार समझिए, 7 क्या करे, 7 कलम 10 रुपए में खरीद रहा है, कितना, 10/7 का उसे क्या हो गया, सीपी हमारा 40% का प्रॉफिट ले रहा है, तो कितना हो गया, एसपी हमारा कितना, 2 रुपए, इसका मतलब है ये जो 2 रुपए आ रहा है, इसका मतलब है कि एक पेन 2 रुपए में क्या कर रहा है, दे रहा है, तो 2 रुपए में एक पेन उस क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो 5, यहां कितना, 10 रुपए की बात कर रहा है, ना कि 2 रुपए की बात कर रहा है, कि 10 रुपए में उसे कितने कलम मिलेंगे, तो हम इसको 10 बनाएंगे, तो 5 से यहां गुणा, 5 से यहां, तो कितना, 10 रुपए में 5 पेन, कितना, 10 रुपए में 5 पेन उसे मिलेंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों, बताइए, सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा, सी वाला ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, एक विक्रेता 14 रुपए में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है, एक विक्रेता 14 रुपए में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% लाभ होता है, तो उसने 1 दर्जन कितने रुपए में खरीदा, क्या कह रहा है, 1 दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदा। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, पहले तो अभी हम पिछला जो प्रश्न सॉल्व कर रहे थे उसमें कह रहा था कि हम खरीद रहे थे, और यहां क्या है, बेच रहा है, कितने में, तो 14 नींबू कितने में, 14 रुपए में 5 नींबू की दर से बेचता है, तो यहां पर आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 नींबू, 5 नींबू या 5 लेमन कितने में बेच रहा है, 14 रुपए में, कितने में बेच रहा है, 14 रुपए में, तो 5 नींबू 14 रुपए में बेच रहा है, तो 1 नींबू कितने में बेचेगा, यहां पर आप लिख लीजिए, 1 नींबू कितने में बेचेगा, 1 नींबू कितने में बेचेगा, तो 14/5 रुपए, 14 रुपए में 5 नींबू बेच रहा है, तो 1 रुपए में कितने नींबू बेच रहा है, 14/5 रुपए। अब क्या कह रहा है, उसे 40% का लाभ हो रहा है, 40% का लाभ लेना चाहता है, 40% का प्रॉफिट लेना चाहता है, तो उसने एक दर्जन कितने रुपए में खरीदा, तो एसपी हमारे पास है, प्रॉफिट परसेंट है, तो सीपी निकाल लेंगे,
तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी आपका कितना है 14 बटे में आपका 5 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा ये आपका 100 हो जाएगा, और 40% का फायदा हो रहा है 140। अब यहां पर देखिए क्या होगा, 140 से 140 आपका कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कितना आया 2। 2 का मतलब यहां पर क्या हो रहा है, 2 का मतलब यहां क्या हो रहा है, 2 का मतलब क्या हो रहा है कि वो क्या कर रहा है, एक नींबू क्या कर रहा है 2 रुपए में खरीद रहा है, कितने में, तो 2 रुपए में एक नींबू खरीद रहा है, कितने में 2 रुपए में एक नींबू खरीद रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से देखिए कि एक दर्जन कितने रुपए में खरीदा, हमें एक दर्जन की बात यहां कर रहा है ना कि एक की बात कर रहा है। तो एक दर्जन में कितने नींबू 12, तो 12 से क्या करेंगे यहां पर हम गुणा कर देंगे, तो 12 से यहां गुणा कर दीजिए और 12 से आप यहां गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 12, तो एक दर्जन का सीपी कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 रुपए, कितना हो जाएगा 24 रुपए, तो कितना हो जाएगा आपका 24 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा मेरे प्यारे मित्रों, सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या कह रहा है यहां पर, एक दर्जन कितने रुपए में खरीदा, तो एक दर्जन का मतलब कितना हो गया 12 नींबू की बात कर रहा है, तो कितने में 24 रुपए में खरीदेगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए, 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर से बेचना पड़ेगा। क्या कह रहा, प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर पर बेचना होगा, 3 रुपए में क्या कर रहा है 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे और 33% का लाभ कमाना चाहता है, 33% का क्या कर रहा है लाभ कमाना चाहता है। तो देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, सेम पैटर्न का सवाल है, कुछ भी नहीं करना है आपको, 3 रुपए में क्या कर रहा है 7 संतरे क्या कर रहा है, तो 7 संतरे कितने में खरीद रहा है यहां लिख लीजिए, 7 संतरों का सीपी कितना है 3 रुपए, कितना है 3 रुपए, 7 संतरों का सीपी कितना है 3 रुपए है, 33% का, तो एक संतरे का सीपी कितना होगा यहां पर लिख लीजिए, एक संतरे का सीपी कितना हो जाएगा 3/7 रुपए, 3/7 रुपए का, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 33% का, क्या हो रहा है उसे लाभ कमाना चाहता है, 33% का लाभ कमाना चाहता है, तो प्रॉफिट कितना 33% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, 33% का क्या कमाना चाहता है प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो एसपी निकालेंगे यहां पर, सीपी हमारे पास कितना दिया हुआ है 3/7 दिया हुआ है, 3/7 में क्या दिया हुआ है आपका सीपी हो गया, 33% का लाभ कितना हो जाएगा 133 बटे में क्या हो जाएगा आपका 100। अब यहां पर देखिए काटेंगे इसको किससे काटेंगे, किससे काटेंगे इसको हम, तो इसको हम काटेंगे 7 51 7 और 7 9 63 कितना 19 7 133 और 19 3 कितना हो जाएगा 57, कितना हो गया 57, तो 57 बटे में आपका 100 आ गया, 57 बटे में 100, तो एक का एसपी यहां पर कितना आ गया, एक का एसपी कितना हो गया ये, तो एक का एसपी कितना हो गया, कितने में बेच रहा है 57/100, 57/100 रुपए में। अब हमें क्या पूछ रहा है, प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर से बेचना पड़ेगा, चाहे तो 100 को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए या फिर 100 से आप क्या करिए गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, प्रति सैकड़ा पूछ रहा है, तो 100 का एसपी कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 57, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका 57 रुपए आपको मिलेगा। तो प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर से बेचना पड़ेगा, तो प्रति सैकड़ा कितने बेचना पड़ेगा, प्रति सैकड़ा अगर 100 बेच रहा है वो, 100 संतरे बेच रहा है, कितना 57 रुपए में बेचेगा, कितना बेचेगा 57 रुपए में, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा डी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न से चलने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों एक
मोटिवेशन है आपके लिए जो मैथ से प्यार करते हैं, जो मैथ के लिए जीते हैं और जो ये समझते हैं और जो जानते हैं कि अगर हम मैथ को कायदे से पढ़ेंगे तो मैथ हमें क्या करेगी, सिलेक्शन दिलाएगी। उन्हीं के लिए एक छोटा सा प्रयास, ना किसी से प्यार ना किसी से तकरार। क्या कह रहा है, ना किसी से प्यार और ना किसी से तकरार, वृत्त की परिधि 2πr। क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, ना किसी से तकरार ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। तो ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा मोटिवेशन आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है। क्या दे रहा है, 10:11 है। किसका, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 10:11 है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आपको लग रहा होगा कि बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही छोटे सवाल हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों यही सवाल आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे जो आपसे मुकाबला करेंगे। जब आप कहेंगे कि अरे सर हमसे तो हो गया बहुत आसानी से, तब आपको लगेगा कि हाँ हमने जो मेहनत की है उसका फल हमें आज मिल रहा है। तो ये क्या कह रहा है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 10:11 है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सीपी कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर 10 दिया हुआ है। एसपी कितना दिया हुआ है आपका, 11 दिया हुआ है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, कुछ भी आपको उसमें समझना नहीं है, बस जो दिया है वही गाना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है और लाभ आपसे पूछ रहा है। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस में सीपी, एसपी माइनस में सीपी। एसपी आपका कितना है, 11 है। सीपी कितना है, 10 है। कितना आ गया, 1। प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे कैसे, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट लाभ कितने का हुआ, 1 का। सीपी आपका कितना है, 10 है, इनटू में क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10%। क्या हो जाएगा, 10%। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। इसमें कुछ समझाना नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, सिर्फ क्या है, देखना है और क्या निकालना है आपको, प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न का, रहीम ने एक क्रॉकरी सेट 1092 में 20% के लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 950 में बेचता है तो उस पर वास्तविक प्रतिशत लाभ हो या हानि क्या होगा। क्या पूछ रहा है, उस पर वास्तविक प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, रहीम ने एक क्रॉकरी सेट कितने 1092 में 20% के लाभ पर बेचा। कितने बेचा, 20% के लाभ पर बेचा। तो यहां पर क्या दिया हुआ है आपका, एसपी दिया हुआ है आपका कितना, 1092। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 20% का। कितना दिया, 20% का। तो हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो सीपी बराबर क्या होगा, सीपी बराबर क्या, एसपी कितना हो गया आपका, 1092 इंटू में आपका 100, और ये क्या है, 20% का लाभ। तो कितना हो जाएगा, 120। क्या हो जाएगा, 120। अब देखिए यहां पर इसको हम जीरो से जीरो काट देंगे, जीरो से जीरो क्या करेंगे, काट देंगे। और यहां पर देखिए वर्णमय क्या होता है, 108, और यहां पर 12 × 12 तो कितना हो गया, 910। तो ये आपका क्या हो गया, सीपी, सीपी कितना आ गया आपका, 910। सीपी आपका 910, और कह रहा है उसे 950 में बेचता है तो वास्तविक लाभ, तो लाभ यहां पर निकालना है। लाभ कैसे निकालेंगे, सीपी हो गया, एसपी कितना दिया हुआ है, 950 में बेचना चाहता है, कितना, 950 में। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर आपका 950 माइनस में क्या हो जाएगा, 910। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, 40। कितना आ जाएगा प्रॉफिट आपका, 40। प्रॉफिट आपका आ गया 44, लेकिन क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटे में आपका सीपी कितना है, 910 इंटू में आपका कितना हो गया, 100। यहाँ पर जीरो से जीरो काट देंगे, क्या हो जाएगा आपका, 400 बटे में क्या आ जाएगा, 91। 400 बटे में 91 आ जाएगा। अब हम देखिए यहाँ भाग करेंगे,
किससे भाग करेंगे? 91 से किस में भाग करेंगे? 400 में। किस में भाग करेंगे? 400 में। 400 में भाग करेंगे किससे? 91 से। अगर हम 4 से भाग करते, 4 इकन्नम 4, 9 चौक 36, तो 40 के बराबर हो, 4 से जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 इकन्नम 4 और कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, तो 300 क्या हो गया आपका? 64। 10 में से 4 गए कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा? 9। 9 में से 6 गए कितना हो जाएगा? 3। अब ये भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ा देंगे, कितना? 0 आ जाएगा। अब इसको हम 3 बार देखते हैं, तो 3 में जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27, 3 इकन्नम 3 और 9 त्रिक 27। तो यहाँ पर 10 में से 3 गए 7 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचा? 15। 15 में 7 गए कितना? 8। तो कितना आ गया? 4.3। 4.3 किसी में है? 4.3, 4.3 नहीं है लेकिन 4 यहाँ पर कितना है? इसको हम एक बार और ले जाते हैं, एक बार और ले जाएंगे, यहाँ कितना? 0। अगर 9, 9, 8, 72, तो 9 से ये चला जाएगा, 9 इकन्नम 9, 9 इकन्नम 9, 81, 9 इकन्नम 9, 9 इक्यासी, 9 इकन्नम 9, 9 इक्यासी। हाँ, तो 4.39 कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4.39 का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, 4.39% का फायदा हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं 4.40% का लाभ हो रहा है, 4.40 लिख सकते हैं, सॉरी ये नहीं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। तो कितना हो जाएगा आपका? 4.40%। तो 4.39% क्या लिख सकते हो? 4.40% का लाभ हुआ। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर, कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, मेरे प्यारे मित्रों, मोहन अपने क्रय मूल्य पर फल बेचता है। क्या बेचा? मोहन अपने क्रय मूल्य पर फल बेचता है। किस पर बेच रहा है? क्रय मूल्य पर फल बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? ये बेईमान वाले बेईमान दुकानदार पर आधारित सवाल है। कह रहा है कि मोहन अपने क्रय मूल्य पर फल बेचता है, कह रहा है कि किस पर? वो तो कह ही रहा है कि हम क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं, हम क्या कर रहे हैं? क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, लेकिन एक जो बाट है उसका, बाट क्या कर रहा है? 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 850 ग्राम वजन का उपयोग करता है। मतलब जो उसको तौलना चाहिए था 1 केजी पर, उसने 1 केजी पर ना तौल कर कितने पे तौला? 850 ग्राम पर उसने क्या किया? वजन किया। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कितना हो गया? 1 केजी के स्थान पर कितने पे? 850 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। तो आपका यहां पर क्या कर रहा है? क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो आपका एसपी यहां 1 केजी है, तो कितना हो जाएगा? 1 केजी है, और यहां क्या कर रहा है? 850 ग्राम तौलता है। सीपी कितने पर कह रहा है? 850 ग्राम। इसको हम क्या करेंगे? 1000 ग्राम बना लेंगे। कितना? 1000 ग्राम बना लेंगे। सीपी आपका 850 ग्राम हो जाएगा, 850 ग्राम वजन का उपयोग करता। उसका कहने का मतलब है कि फल तो बेचता है क्रय मूल्य पर, लेकिन 1 किलोग्राम का जो बाट है उसके स्थान पर वो क्या कर रहा है? 850 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। तो कितना उसको फायदा हो रहा है? यहां पर देखिए कितना फायदा ले रहा है, तो 150 का। कितना उसको फायदा हो रहा है? 150 का। तौलना था उसे किसने पर? 1000 ग्राम पर, लेकिन तौला किस पर उसने? 850 ग्राम पर। तो कितने का फायदा हुआ उसे? 150 का। लाभ कितना हो गया? प्रॉफिट कितना हो गया? 150 का। कितने का? 150 का। अब पूछ रहा कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा आपका, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे हम यहां पर? प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 150 का। किस पर? 850 ग्राम पर। कितना? 850 ग्राम पर। इनटू कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 तियाई 15, और कितना हो जाएगा? 17 पचे 85। तो कितना हो गया आपका? ये आपका आ जाएगा 300 बटे में 17। 17 दूनी 34 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 इकन्नम 17। 34 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा? 34 में से, सॉरी 17 दूनी 34
17 दूनी 34, सॉरी 34 क्यों ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 इकन्नम हम 17 ले जाएंगे, कितना ले जाएंगे 17 इकन्नम 17 ले जाएंगे, 30 में से 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा 13, तो कितना हो जाएगा 130, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 300 से हम भाग करें किसमें 17 से, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 17 इकन्नम आपका 17 हो जाएगा, 10 में 7 गए कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर 2 में से 1 कितना हो जाएगा 130, कितना हो जाएगा 103, और 17 सत्ते क्या हो जाएगा आपका 119, 17 सत्ते 119, तो कितना हो जाएगा आपका 17 सही 11/17, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्तर 17 सही 11/17%, आपका क्या उत्तर आ जाएगा 17 सही 11/17%, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 में से 9 गए कितना 1 और 1, तो कितना हो जाएगा 130 में से अगर 119 घटाएंगे कितना बचेगा 11 बचेगा, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा क्या 17 सही 11/17%, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। एसपी आपका 1 kg का है, सीपी क्या 850 ग्राम का, कह तो रहा है कि क्रय मूल्य पर हम फल बेचते हैं लेकिन ऐसा करता नहीं है, वो बाट को हेरा फेरी कर देता है और 850 ग्राम पर तौल देता है, तो उसको फायदा कितना हो जाता है 150 ग्राम का, 150 ग्राम का फायदा हो जाता है, जब प्रॉफिट परसेंट पूछता है तो 150/850 इंटू में 0 से 0 5 से काटेंगे तो 5 × 3 = 17 / 85 तो 300/17, तो 17 इकन्नम 17 यहां पर आया, फिर कितना बचा आपका 130 हो गया, 17 सत्ते 119 हो गया, तो 17 सत्ते 119 17 सही 11/17% आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, एक व्यापारी क्या कर रहा है अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु 1 kg के स्थान पर 960 ग्राम का बट्टा प्रयोग करता है, मतलब 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, उसका कहने का मतलब है कि क्रय मूल्य क्या बेचने पर दिखा, कह रहा है कि वो क्रय मूल्य पर ही बेचता है, मतलब जितने पर खरीदा उतने पर ही बेच रहा है, लेकिन ऐसा करता नहीं है, वो ऐसा नहीं कर रहा है, ऐसा क्या कर रहा है, वो 960 ग्राम पर वस्तु को तौल देता है, कितने पर 960 पर, तो उसको फायदा हो रहा है, कैसे फायदा हो रहा है, यहाँ पर एसपी आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ 1 kg, तो 1 kg को कितना हम क्या ले लेंगे 1000 ग्राम, क्या ले लेंगे 1000 ग्राम ले लेंगे, और यहाँ पर सीपी कितना आपका बन जाएगा 960 ग्राम, क्या बन जाएगा 960 ग्राम, तो यहाँ पर एसपी कितना 1000 ग्राम, सीपी कितना 960 ग्राम का, तो लाभ कितना हो गया उसका, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 1000 में 960 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, कितना 40 ग्राम का क्या हो रहा है उसको फायदा हो रहा है, कितने का 40 ग्राम का फायदा हो रहा है, जबकि यहाँ पर पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा ये 40/ में क्या ले लेंगे आप सीपी 960 इंटू में आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पर काटेंगे इसका 24 × 96 कितना हो जाएगा 24 × 96 क्या हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप काटिए इसको 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 12 और कितना हो जाएगा 50, फिर 2 से काटेंगे 2 × 12 और कितना 25, तो कितना हो जाएगा 25/6 हो जाएगा, 25/6 हो जाएगा, तो 6 × 24 तो 4 सही 1/6%, तो 4 सही 1/6% का क्या हो रहा है उसको फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है मेरे प्यारे मित्रों 4 सही 1/6% का क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर बेचने पर 960 ग्राम के बट्टा का उपयोग करता है तो उसे 4 सही 1/6% का फायदा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न का एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, एक बेईमान दुकानदार क्या कर रहा है अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु
परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है। एक नए टाइप का प्रश्न है, बहुत ही जोरदार प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्या करना है, वही पूरी कहानी है। दुकानदार कैसा है, बेईमान है, क्या कर रहा है, कह तो रहा है कि हमने जितने पर खरीदा है उतने पर ही आपको बेच रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहा है, ऐसा वो कर नहीं रहा है। कहने को तो कह रहा है लेकिन ऐसा कर नहीं रहा। परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग, त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग का मतलब है कि वो क्या कर रहा है, गलत बाट का उपयोग कर 11 सही 1/9% का लाभ कमा लेता है। कितना, अभी हम परसेंट निकाल रहे थे, अब यहाँ पर परसेंट दिया हुआ है, तो 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान देता है। तो 11, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 11 सही 1/9% का लाभ, तो इसको आप क्या लिखे, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कितना हो गया, 11 सही 1/9% का, इसको आप लिख लीजिए 99 और ये कितना हो गया 100, तो 100/100 में कितना हो गया 9, क्या हो गया ये आपका, कितना हो गया ये 100/9, 100/9 हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर हम परसेंट हटाएंगे तो कितना 9 × में क्या हो जाएगा 100, तो भिन्न में जब हमने बदला तो कितना आ गया 1/9, 1/9 आ गया प्रॉफिट, कितना हुआ 1/9। पहले कितना था, 11 सही 1/9% में था, तो परसेंट को हमने कहां बना लिया, फ्रैक्शन में बदल लिया, कहां बदल लिया, फ्रैक्शन में बदल लिया, तो कितना हो गया 1/9, इसका फ्रैक्शन हमने बनाया तो 1/9 प्रॉफिट हुआ है, कितना 1/9 बना लिया। तो ये जो 9 है हमारा क्या है, सीपी है, प्रॉफिट कितना हुआ इसको 1 को, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, आपने 9 रुपये पर खरीद कर लाए कोई वस्तु, 9 रुपये पर कोई वस्तु आपने खरीद कर लाए और 1 रुपये का फायदा लेकर आपने उसे बेच दिया, तो आप कितने में उसे बेचेंगे, 10 रुपये, तो आपका कितना एसपी हो जाएगा यहाँ पर 10। और यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान देता है, दे रहा 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान देता है, तो यहाँ पर कितना है आपका 10 है, 10 ना होकर कितना है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को हम क्या ले लेंगे 1000 ग्राम, तो ये जो हमारा 10 है 10 बराबर किसके हो जाएगा 1000 ग्राम के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1000/10, और हमें कितना कह रहा, क्या कह रहा है कि वह किस, वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान देता है, जबकि बेचता किस पर है, सीपी पर, सीपी कितना है आपका यहाँ 9 है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 0 से 0 काट देंगे कितना 900 ग्राम, क्या हो जाएगा 900 ग्राम, कितना हो जाएगा आपका 900 ग्राम पर, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान देता है 900 ग्राम, कितना दे रहा है मेरे प्यारे मित्रों 900 ग्राम, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें हम क्या निकाल रहे थे, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे थे, और यहाँ क्या है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, सिर्फ आपको ये बताना है कि कितने की वो घपलाबाजी कर रहा है, तो 900 ग्राम क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, लेकिन कितने का घपलाबाजी, तो 100 रुपए का वो घपलाबाजी कर रहा है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 900 ग्राम आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये हो गया मेरे प्यारे मित्रों आज का वीडियो सेशन, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। आपके लिए एक शानदार कोटेशन लिखा हुआ, मैथ पढ़ो तो हद कर दो, क्या करना है, मैथ पढ़ो तो हद कर दो वरना मामला रद्द कर दो, क्योंकि मैथ से ही आपका सिलेक्शन होगा, मैथ से ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। इसी मोटिवेशन के साथ मेरे प्यारे मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।